अच्छा बेबी, हाँ? अगर मैं तुम्हें कहूँ कि आज मैं तुम्हें किस करने वाली हूँ तो ये सब ना कहने की जरूरत नहीं है, और इसको ना डायरेक्ट कर दिया करो, क्योंकि जब तुम ऐसे बोलती हो ना फिर मैं और ज्यादा रोमांटिक हो जाता हूँ। Hey guys, welcome back to our new video. तो यार जैसा कि आप सब जानते हो कि आजकल वेदर कितना प्यारा है, थोड़ा सा हल्की हल्की सी सर्दियाँ चल रही है ना, तो यार ऐसे में ना अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की बड़ी याद आती है लोगों को, राइट? तो यार मुझे भी अपने बॉयफ्रेंड की ना बहुत ज़्यादा याद आ रही है। उसको ना आगे पहले तो मैं सबसे बहुत प्यारी सी किस्से दूंगी, उसके बाद मैं उसके साथ थोड़ी सी रोमांटिक हो जाऊंगी और उसको बहुत ही प्यारा फील कराने वाली हूं। बेबी, अरे क्या हो गया, आज बड़ी एक्साइटेड लग रही हो। यार तुमसे मिलने की बात तो ना मैं हमेशा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ ना। अच्छा, बट वैसे आज कुछ स्पेशल है क्या? क्या यार देखो ना कितना रोमांटिक वेदर है, तो मैं मेरी याद नहीं आती। अरे पागल सी, वो तो सर्दियां स्टार्ट हो रही हैं तो हर कोई ठिठुरता रहता है, तो रोमांटिक मूड ही बनता है उसका। इसमें कोई स्पेशल नहीं है, मेरे को लगा शायद तुम्हारे साइड से कुछ स्पेशल है मेरे लिए। है, बहुत है, थोड़ा सा नहीं बहुत है स्पेशल तुम्हारे लिए। क्या है फिर? कितना सारा प्यार करती हूँ मैं तुम्हें, तुम्हें पता भी है? यार देखो, जब तुमने प्यार की बात बोली थी है ना, तो मुझे लगता है कि अब ना वैलेंटाइन कितनी दूर है। बहुत ही पास है। कितना पास? इतना। मैं वही कहने वाला था कि देखो आज से ना हम इतने रोमांटिक होते हैं, इतने रोमांटिक होते हैं कि वैलेंटाइन आते आते ना मतलब मुझे मजा आ जाए एकदम से। डेली डेली इतना प्यार बढ़ाएंगे ना, फिर इतना तो वैलेंटाइन तक ना हमारे पास इतना सारा प्यार होगा, ढेर सारा। हाँ। अच्छा बेबी, हाँ? अगर मैं तुम्हें कहूँ कि आज मैं तुम्हें किस करने वाली हूँ तो ये सब ना कहने की जरूरत नहीं है, और इसको ना डायरेक्ट कर दिया करो, क्योंकि जब तुम ऐसे बोलती हो ना फिर मैं और ज्यादा थोड़ा और ज्यादा रोमांटिक हो जाता हूँ, और फिर यार मुझसे ना रहा नहीं जाता। और तुम नहीं जाता तो ना अब तुम्हारा ना थोड़ा ही पेशेंस लेवल बढ़ाते हैं, तो मैं काम करती हूँ वैलेंटाइन तक ना मैं तुम्हें किस दूंगी ही नहीं। यार ये नहीं हो सकता यार। हो सकता है ना बेबी। अब देखो फिर इसका मतलब है कि मेरी वैलेन किसी और के साथ टाइम कर रही है। नो, नॉट एट ऑल यार, मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करती हूँ। I love you. तुम हमेशा से उल्टी बातें क्यों करते हो? इसलिए ताकि ना तुम्हारा थोड़ा सा मैं देखूं तो अंदर से क्या है, फिर किस कर दो ना फटाफट। सच्ची? अरे obviously, अगर किस नहीं करोगी तो मुझे फिर लगेगा, फिर मैं बोलूंगा नहीं। अब तुम्हें पहले तुम करोगे, फिर तुम। यार मैं नहीं, लड़के किस करते हुए अच्छे नहीं लगते, पागल। कितने गंदे हो ना, सारे किसेस ले लेते, मुझे किसेस नहीं देते तुम। देखो तुम मुझे दो किसेस और मैं तुम्हें दूंगा प्यारी प्यारी विशेस। कितने तेज हो ना, कितने मजा ही नहीं। यार मेरी लिपस्टिक लग गई तुम्हारे फेस पे। अरे मैं तो चाहता हूँ मेरे पूरे फेस पे ना सिर्फ तुम्हारे लिप्स हो, वो भी लिपस्टिक से छपे हुए। तो जल्दी से कर दो यार। वाओ यार, आई एम वेरी एक्साइटेड यार। आई लव यू सो मच। वैसे एक बात बोलूं, आज ना पहली बार मुझे ऐसा लगा है कि यार तुमने मुझे ना पूरे फीलिंग के साथ किस करा है। हाँ, सो यार अब मैं तुमसे ना कभी भी नहीं लड़ाई करूंगा, और हमेशा ना प्रॉमिस ना यार, तुम मुझे परेशान भी नहीं करोगे। और सुनो, एक परमिशन और दे रहा हूँ कि वैलेंटाइन तक तुम मुझे मार सकती हो, पीट सकती हो, घसीट सकती हो, जो मर्जी करना है कर सकती हो। क्या मिलेगा ये सब करके? मैं तो तुम्हें प्यार करती हूँ, वो सब तो मुझे गुस्से में हो जाता है ना। सच में इंटेंशनली नहीं मारना चाहती ना मैं तुम्हें। यार वो तो मुझे भी पता है, क्योंकि तुम हो ही इतनी प्यारी, तुम मार भी नहीं सकती हो। क्योंकि नहीं, मार तो देती हूँ यार, but still I love my boyfriend so much. और मेरी गोवा वाली जो गर्लफ्रेंड है ना वो क्यों गोवा वाली क्यों? अरे पूरी बात तो सुन लो, मेरी गोवा वाली गर्लफ्रेंड लाखों करोड़ों अरबों खरबों में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसी एक इकलौती गर्लफ्रेंड है जो कि सबसे स्पेशल है। यानी केवल वही है जो भी है। इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ना यार, मैं अपने बॉयफ्रेंड को तब तक इतना सारा प्यार दूंगी, इतना सारा कि वो ना इतना खुश हो जाएगा कि वाह यार मेरी गर्लफ्रेंड तो मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। तो यार आप लोग भी बताओ, आपकी गर्लफ्रेंड भी आपको मेरी तरह प्यार करती है या फिर नहीं?